मैं समझता हूँ ये बात स्पष्ट है कि वो घबराई हुई है सरकार। राहुल गांधी जी हर समय लोगों से संबंधित लोगों की आवाज़ बनके पार्टी पार्लियामेंट में हर सवाल उठा रहे थे, जो कि एक जागरूक लोगों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में करता है, और वो बहुत ज़ोर के साथ करते थे। और सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, उसी के पार्लियामेंट के सदस्य होते हुए वो साथ साथ बाहर एक पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते, जैसे उन्होंने ये पदयात्रा की तकरीबन 4000 किलोमीटर से ऊपर की और 5 महीने से ज़्यादा समय की, उसके दौरान जिस हिसाब से उन्होंने जितने मुद्दे हैं जो देश से संबंधित हैं, देश के हित से हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और लोग बड़े बड़ी बड़ी तादाद में आके उनसे मिले और अपने दुख उनके पास रोए। स्पष्ट हो गया उसके बाद कि बिल्कुल अगर एक चुनौती दे सकता है वो राहुल गांधी सरकार को दे सकता है, और सरकार की जो मनमानी ये कर रहे हैं उनके लिए एक पत्थर बन के एक सामने बुलवर्क के तौर पे ये लोगों के खिलाफ जो बातें होती हैं उनके लिए राहुल गांधी खड़े थे। तो उनको एक अनकंफर्टेबल एक इनसे लगती थी कि इनका हाजिरी वहाँ है। इस कारण ये एक साजिश ही हुई है इस ढंग से कि 2019 वाले मसले को फिर 1 महीने में उठा के निपटाया और उनको एकदम जिस रफ्तार के साथ पार्लियामेंट से उनको बर्खास्त किया गया, उसे ये बात स्पष्ट है कि सरकार ने सिर्फ घबराहट में ये किया है। वरना अगर एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र के जो रिवायतें हैं उनको पसंद करने वाली सरकार अगर होती तो वो ऐसा ना कर। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक समय पे चुनाव हो जाना नहीं होता, उसका मतलब होता है जितनी हमारी रिवायतें हैं, जितनी जो भावनाओं के साथ लोकतंत्र मजबूत होता है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जितने संस्थान बनाए जाते हैं, जिनके लोगों से संबंध होता है, जिनके ज़रिए गवर्नेंस होती है, उन सबको किस हिसाब से उनका संचालन हो, उनको चलाया जाए, वो सबसे अहम बातें होती हैं। ये सरकार ने पिछले 9-8 वर्षों में एक एक करके जितने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिर्फ इमेस्क्यूलेट, उनको कमज़ोर ही नहीं किया, उनको ख़त्म करने पे लगे हैं और अपने चुंगल में लेने लगे हुए हैं। और अगर कहें सही मायने में, आज के दिन लोकतंत्र के नाम पे एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के जो लोकतंत्र के हिसाब से होनी चाहिए, जो संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसकी जगह एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होने लगी है। और ऐसा समय आएगा अगर ऐसा चलता रहा कि किसी वक्त हर चीज़ की परिभाषा भी बदल देंगे। मुझे याद आता है जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल, जिनमें उन्होंने 1984 के उसके नॉवल में का टाइटल था उसमें लिखा था ये सब चीज़ें, वैसी मुझे इत्तफाक के साथ यहाँ दिखते नज़र आती हैं कि एक बिल्कुल सब चीज़ के लोगों की सोच बदलने पे लगे हुए हैं, जो सही मायने में लोकतंत्र के हित में नहीं। इस कारण कांग्रेस समझती है और विश्वास है कांग्रेस को, और पार्टीज को भी विश्वास है कांग्रेस के अकेले नहीं, कि आज लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। और इस प्रहार को बचाने के लिए, इससे देश को बचाने के लिए लोग आज शायद नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसको बचाने के लिए हमें आवश्यक है कि हम आगे बढ़ के इस पे करें, और ये राहुल गांधी जी ने किया। संबंध पे सिर्फ होता तो सवाल खड़ा ना होता। हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पे ये आया कि उस प्राइवेट कंपनी ने, अडानी ग्रुप ने, बहुत बड़ी तादाद में अपने अकाउंट्स में जो साफ नहीं थे उसके कारण इधर बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, और अपने जो एसेट्स हैं, अपने नेटवर्थ है, उसको एकदम बहुत बड़ा ऊंचा उठाया। और वो फ़ायदा कहाँ से उठाया, यहाँ आता है दूसरे पार्टीज़ का रोल उसमें। LIC, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें पंजाब नेशनल बैंक वगैरह से लोन्स बड़े लिए, और वो पैसा किन का होता है, वहाँ आम आदमियों का पैसा इन सभी जगह पे वो जमा होता है, जिसके कारण वो इतने बड़े बड़े लोन्स दे सकते हैं, और वो पैसा इनको दिया। और उसके साथ साथ ये आया सामने कि 5-6 कंपनी जो मॉरिशस, दुबई वगैरह में जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका ये ताज्जुब होगा आप सब जानते ही हैं कि उनकी कंपनीज़ की जितनी अपनी एसेट्स हैं उससे 95% एक कंपनी ने पूरे का पूरा लोन इनको दे दिया, ताकि 20,000 करोड़ का लोन इनको वहाँ से मिला, जिसके कारण इन्होंने बेल आउट हुई अपने एक जो इनका वैसे कामयाब नहीं हो रहा था, एक इनका फॉलो अप पब्लिक ऑफर दिखाया गया कि वो हुआ है, क्योंकि उसके उन्होंने अखीरले दिनों में उसके लिए पैसा बाहर से ला के दिया, उनसे ये समझते हैं कि उसके लिए उन्होंने उनसे ये वायदा ही किया ये पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन उस कारण उन्होंने फिर दिखाते हुए कि सब्सक्राइब हो गया उसको विड्रॉ कर लिया। और इस तरीके से जो बाहर की अगर शेल कंपनीज़ का पैसा देश में आए, तो ये सिर्फ को दो जानों को रिश्ते का ताल्लुक नहीं रहता, ये तो देश से संबंधित है, सीधा देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस कारण क्यों आया आगे उठाया जाता है कि क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा फ़ायदा अपने चुने हुए लोगों को दे रहे हैं,
क्या अपनी नीतियां सिर्फ कुछ लोगों तक ही सेंटर्ड हैं कि उन लोगों को फ़ायदा उठाना है, आम आदमी तक उनका कोई फ़ायदा नहीं पहुंची, आम आदमी को बेनिफिट नहीं हो, आम आदमी के हित की बात नहीं सोची जाए, उनको तो एक और खुराक दे दी जाती है, उससे उनको उलझा दिया जाता है, उस तरफ लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि आज के दिन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, इतनी बेरोज़गारी है, आज के दिन लोगों को जो मिलना चाहिए लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल रहा। इस कारण ये हम आवाज़ और कांग्रेस आवाज़ और कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टी की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसे और हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। इट्स रिडिकुलस टू प्रज्यूम दैट। राहुल जी ने क्या कहा था, अगर मैं वो शब्द अगर शायद याद रहें, कि क्या इस नाम के मोदी नाम सभी चोर मोदी नाम के उनके साथ लगता है? अब इसको आप अपने एक एनालिटिकली देखिए, इसको आप किसी से संबंधित नहीं करिए। पहले तो अगर उन्होंने तीन नाम लिए थे जो एक मानहानि का दावा होता है, एक कंप्लेंट होती है, वो उनमें से कोई कर सकता है, क्रिमिनल केस है ये, एक दंडनीय अपराध के तहत किया है, सिर्फ सिविल सूट नहीं किया कि मेरा इतना नुकसान हुआ है तो मुझे इतना पैसा मिल जाए, ये दंडनीय अपराध का किया है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है। अमेरिका वगैरह में तो आज के दिन है नहीं, हमारे पुराने समय से चलता आ रहा है, चलिए है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके तहत सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल है और इनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब कैसे हुआ वो, ये एक सेंटेंस जो था उसके साथ एक श्री पुरनेश मोदी इनके मंत्री थे गुजरात में, उन्होंने सूरत में ये केस डाल दिया। और हमारा कानून ये कहता है कि अगर सूरत में केस डाला, कहा था उन्होंने कर्नाटका में कोलार में, पहले ये अनिवार्य था मैं ये समझता हूँ, जैसे दिल्ली के एक केस में हुआ है कि वहाँ से इसकी इन्वेस्टिगेशन सूरत में फिर करवाई जाती, इन्वेस्टिगेशन के बाद केस हो सकता था। केस हो गया, किसने रुकवाया हाईकोर्ट में जाके, जिसने दावा डाला था, जिसने शिकायत की थी, जिसने कंप्लेंट की थी, कभी सुना है ऐसा? दूसरी पार्टी जाती है ऊपर वाले कचहरी में करवाने, वहाँ इन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को फिर बुला के उनसे फिर उनके बयान लेना चाहते थे, जबकि मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया था, केस स्टे हो गया। अब जब राहुल गांधी जी ने ये आवाज़ें उठानी शुरू की, पूरे ज़ोर के साथ बोला, इतनी कामयाब उनकी ये रैली रही हमारा जो होती रही है उसके बाद श्रीनगर, और बहुत बड़ी कामयाबी के साथ 5 महीने का ये पदयात्रा चली, जिसमें लोग बिल्कुल हैरियत में पड़ गए कि राहुल गांधी इतनी गंभीरता के साथ इतना बड़ा लंबा उन्हें देश में ये पदयात्रा की, उसके साथ घबराहट जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उस घबराहट के कारण और फिर ये साथ जो अभी हिंडनबर्ग का अडानीज के प्रति आया, और इसमें सीधी आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी बात ये थी, कांग्रेस क्या मांग रही थी, राहुल गांधी जी ने क्या मांगा था, एक JPC बना दीजिए, एक संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी जो इस पे तफ्तीश करे। वो कांग्रेस की तो नहीं होनी थी, कांग्रेस के तो उसमें सदस्य कम होने थे, उसमें ज़्यादा सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के होने थे, क्योंकि वो यहाँ बहुमत में है और अक्सर बनाई जाती है, मुझे जितना अनुभव है उसके हिसाब से बनाई जाती रही हैं ऐसी मांगों पे, और बनाई जानी चाहिए थी, क्यों नहीं वो बनाई जा रही, इस कारण आवाज़ उठाते रहे। जब इस आवाज़ को और बुलंदी से उठाया राहुल गांधी जी ने, फिर वहाँ एकदम दरख्वास्त डाल दी हाई कोर्ट में उन्होंने, पुरनेश मोदी जी ने, कि जी मैं अपना अपील वापस लेता हूँ, उन्होंने वो वापस ली, केस यहाँ आ गया, महीने चट वो फैसला हो गया, और राहुल गांधी को एकदम सीधा एक वो जो उन्होंने पहले कहा था हम उनसे फिर उनको बुला के उनकी गवाही लेना चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, कंप्लेनर ने, वो भी नहीं हुआ, सीधा उठा के फैसला कर दिया। और उसके बाद मैं, ये मेरी निजी राय है, इतनी थोड़ी सी शायद फर्क हो, क्योंकि देखिए उसमें 2 बातें हैं, एक तो उनको दोषी करार देना, एक सज़ा सुनानी, उन्होंने दोषी करार दिया और उसके बाद 2 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन 1 महीने के लिए वो सज़ा उन्होंने रोक दी और उनको अपील करने का मौका दिया ताकि उनको उनके अरेस्ट नहीं हो सकती। उसके दौरान मैं ये समझता हूँ कि आप मान लीजिए अगर वो उन्होंने जो फैसला उसी दिन उन्होंने सज़ा का सुना दिया 2 साल का, एक हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, अगर वो फैसला वो कह देते 3 महीने के बाद, तारीख 3 महीने की डाल देते, सज़ा कर देते, उनको गिल्टी करार देते, लेकिन 2 साल की सज़ा ना सुनाई होती, तो क्या 3 महीने के लिए उनको पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। इस कारण उस वक्त जब 1 महीने के लिए भी उन्होंने रोका, वही बात हो गई ना, अगर 3 महीने के बाद सुनाते जाए, 1 महीने के लिए रोक लिया सुना के, तो मैं समझता हूँ एक ही बात है, तो यहाँ इस जल्दबाजी के साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार एक्चुअली सही मैंने वही शब्द है घबराई हुई थी, एकदम चाहते थे कि राहुल गांधी तो पार्लियामेंट से बाहर हों,
पार्लियामेंट के ऐसे रवैये होते हैं, पार्लियामेंट इस हिसाब से चलती है और सरकार का ऐसा प्रभाव होना बनता है उस पर, ये नहीं। इस कारण आज बातें चिंताजनक हैं। राहुल गांधी से लोग सभी आज के दिन प्रताड़ित हुए हैं। वो सभी के जितने हमारे कांग्रेस के हैं या जितने और अपोजिशन पार्टीज़ के हैं, वो सब अपनी आवाज़ को बुलंद करके ज़ोर से ये आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही उठाने वाले हैं, तो राहुल गांधी अपनी ये आवाज़ बाहर उठाते रहेंगे और मुझे ये यकीन है कि पार्लियामेंट में 3-4 दिनों में ख़त्म होएगी। उसके बाद तो 2-3 महीने वैसे नहीं लोकसभा का सेशन होना। आगे हम विश्वास रखते हैं अपने न्यायपालिका में, अगर एक कचहरी में नहीं हुआ, वहाँ से गलती हुई है, हम समझते हैं कि ठीक फैसला नहीं हुआ, ऊपर से नहीं हो, आखिर में ये फैसला राहुल गांधी जी के हक में होगा। ये करार दिया जाएगा कि राहुल गांधी दोषी नहीं है इसके लिए और उनके लिए जो ये उनको 2 साल का जो सज़ा सुनाई है ये भी भंग की जाएगी, रद्द की जाएगी और राहुल गांधी फिर बाइज्जत होंगे। क्योंकि एक लोग हम अक्सर बोलते हुए, आप किसी का भी देख लीजिए, क्या प्रधानमंत्री जी ने बोलते हुए क्या कुछ नहीं अपने भाषणों में कह दिया? क्या बीजेपी के लोगों ने राहुल जी के खिलाफ क्या तक नहीं कह दिया कि ये परिवार अपना नाम नेहरू क्यों नहीं रखता, उनके पिता कौन है? ऐसे सवाल अगर कर सकते हैं क्या वो आज के दिन, बल्कि जो कहते हैं सभ्य हैं कि अपने आप को सभ्य कहने वाले लोग, क्या वो बातें सभ्य हैं? ऐसा तो राहुल जी ने नहीं किया। उन्होंने सभी, जैसे मोदी OBCs नहीं हैं, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है, मोदी ललित मोदी तो बनिया है, नीरव मोदी वो OBC नहीं है। मैं जानता हूँ मोदी, आप देखिए पीलू मोदी कौन थे, पीलू मोदी वो पारसी थे लेकिन मोदी थे। हमारी कास्ट में बनियाज में मोदीज हैं, OBCs में मोदी हैं, सब जगह मोदी हैं, बहुत जगह हैं। ये इस कारण ये कहना कि OBCs के लिए ये किया है, ये और वो बात दर्शाती है कि एक सिक माइंड वो आगे लोगों को बरगलाने के लिए अब OBCs पे ये असर डालने के लिए कर रहे हैं, जबकि ये सरकार ने OBCs का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। वो अलग बात है जिसका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करूँगा। यहाँ रिजर्वेशन थी, वो रिजर्वेशन बंद कर रहे हैं। जिस स्टेटों में गवर्नर्स के पास बिल पड़े हैं तो वो बिल पास नहीं हो रहे, वो पारित नहीं हो रहे। एक अलग मंत्रालय बना देना चाहिए था, डिपार्टमेंट बनाना चाहिए था, डिपार्टमेंट नहीं बनाया। इन सब चीज़ों के बावजूद अब इन बातों को सब लोग जो कांग्रेस जो राहुल जी के से प्रोत्साहित हैं वो सब ये बातें उठाएंगे और दूसरे हमारे जो पार्टीज़ के लोग भी हैं वो भी, क्योंकि आज वो सभी को समझ आ गया है कि ये सरकार सिर्फ एक बात पे रुकने वाली नहीं। अगर इसमें कामयाब होते हैं तो कल को किसी को भी ऐसे चलता करेंगे पार्लियामेंट से। अगर वो चुप करके पार्लियामेंट में नहीं बैठता, ठीक अपने आप को MP कहलवाते रहो तो आ जाओ, अगर आप बोलने की ज़रूरत करते हो चलो बाहर पार्लियामेंट से। अगर ऐसा रवैया लोग देख रहे हैं और दूसरी पार्टीज़ वाले ये देख रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर सभी एक बहुत बड़ी दीवार बन के इसके सामने खड़ी होंगे।